भले ही कितना आगे निकल जाए, लेकिन समाज में जातिवाद और धर्म की लड़ाई ना कभी थमी है और ना ही थमेगी। आज़ादी के 70 साल बाद भी हमारे देश में जातिवाद को लेकर हमेशा हिंसा फैलाई जाती है। ताजा मामला यूपी के जिला आजमगढ़ का है, जहां एक मामूली विवाद पर समुदाय विशेष ने दलित बस्ती पर हमला बोल दिया और दलित परिवार के लोगों की समुदाय विशेष ने जमकर पिटाई की। इस हिंसा की वजह बच्चों के साथ ही मामूली लड़ाई बताया जा रहा है, जिसकी वजह से वहां पर समुदाय विशेष वाले वर्ग ने दलित परिवार को जहां पकड़ा वहीं मारना शुरू कर दिया। आपको बता दें, झड़प के बाद गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। जो लोग घायल हुए हैं उनको पास के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं पुलिस आरोपी को पकड़ने के लिए कोशिश में जुट पड़ी है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर दलितों के साथ इस तरह से बार बार क्यों मारपीट हो रही है। एक तरफ तो राज्य सरकार ने बड़े बड़े वायदे किए थे कि राज्य में जातिगत का माहौल नहीं होगा, लेकिन जमीनी हकीकत एकदम परे है। हर बार कोई भी समुदाय हो वो दलितों को टारगेट बना रहा है। इससे योगी आदित्यनाथ पर भी सवाल उठते हैं कि आखिर योगी के राज्य में आखिर ऐसा माहौल क्यों बनाया जा रहा है। इससे पहले बहराइच में एक दलित को जूते में पेशाब पिलाया गया था, जिसके बाद से मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।